शूट करो, शूट करो, शूट करो, धक्का नहीं देना। आप लोग गेट क्यों नहीं खोल रहे? तो काफी आलीशान है, आप देखेंगे सागौन के दरवाजा यहाँ पर सागौन का लगा है। सीलिंग आप देखिए, बहुत शानदार आलीशान सीलिंग है। कार्यालय के लिए जमीन दी गई थी लेकिन पूरा कब्जा कर लिया गया, लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए सैंक्शन करके अब खर्चा किया गया और वर्तमान में आप लोग के कब्जे में है। उसमें आदरणीय महापौर जी के भी दस्तखत है, उनकी सहमति से ही आवंटन हुआ है। दादागिरी है, वैसे के सूत्र की काफी नहीं, दादागिरी है। तो ये शताब्दी नगर में एक S5 प्लॉट था, इस पर राष्ट्रीय सद्भावना समिति ने लगभग कब्जा कर लिया है और आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 3.5 करोड़ की लागत से बनाया गया था। आप लोग गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं? आप लोग गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं? अच्छा, किसका है भवन ये तो बताइए आप, किसका भवन है ये? ये भवन ये ऑफिस ऑफिस का कार्यालय है। किसका कार्यालय है? मैडम जी का। कौन मैडम जी का? नाम तो बताइए। नाम तो बताइए। अब इसके बारे से मेरे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं यहाँ ड्यूटी करता हूँ। अच्छा, तो गेट तो खोल दीजिए। नहीं, गेट नहीं खोलता। अच्छा, मैडम कौन है? सकुन मैडम का है, बात कर लीजिए। देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं वापस से एक बार। ये S5 प्लॉट है जिसपे लगा निगम का 3.5 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और ये पूरा कार्यालय बना दिया गया है, जबकि सार्वजनिक उपयोग की जगह थी बताया जा रहा। फंड जो है पूरा जो है ये नगर निगम का, स्मार्ट सिटी का और शासन का पैसा इस पे लगाया गया है और गार्ड जो है वो गेट खोलने को तैयार नहीं है। अभी गेट इसका खुला है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए क्या आलीशान यहाँ पर जो है भवन बनाया गया है। शूट करो, धक्का नहीं देना। शताब्दी नगर में शकुन डहरिया ने सिर्फ एक नहीं बल्कि एक और जमीन पर जो है कब्जा किया गया था। ये जो आलीशान बिल्डिंग और आप देख रहे हैं यही वो भवन है, नगर निगम का 3.5 करोड़ रुपए इसमें उपयोग किया गया था। जो ये गार्ड है ये मीडिया कर्मियों से धक्का मुक्की कर रहे थे। अच्छा, किसका है ये तो बताइए भाई। मैं यहाँ ड्यूटी का। हेलो, हाँ सर, ये जबरदस्ती घूम गए हैं सर, दरवाजा बंद कर फिर भी ये दरी से ये वाला दोनों एक खोल के था सामने वाला दूर से लगा जी। मैं नहीं खोला हूँ सर, मैं इधर से बात कर रहा हूं। आलीशान गार्डन बनाया गया है, बैठने की जगह है और सबसे बड़ी बात है गार्ड ने खुद बताया है कि ये जो है वो ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिस है। तो राष्ट्रीय सद्भावना समिति बताया जा रहा है उसी का ये ऑफिस है। जैसे हमने कल एक बिल्डिंग दिखाई थी 1 करोड़ रुपए खर्च करके उस बिल्डिंग को बनाया गया था, उसी प्रकार से शासन का लगभग 3.5 करोड़ रुपए खर्च करके इस ऑफिस को बनाया गया है। ये गार्ड है, लगातार किसी से बात कर रहे हैं रोकने के लिए, हमसे धक्का मुक्की भी किया गया है। तो सो आप खुद देख सकते हैं कि क्या स्थिति है, गार्ड है आपको जाने से रोक रहे हैं। तो काफी आलीशान है, आप देखेंगे सागौन के दरवाजा यहाँ पर सागौन का लगा है। सीलिंग आप देखिए, बहुत शानदार आलीशान सीलिंग है। तो तमाम देखिए पेंटिंग है, तो ये सारा चीज आपको दिखा रहे हैं हम। गाड़ी भी एक खड़ी हुई है, आप देख रहा होगा किसकी गाड़ी है। और अभी हमारी जैसे जोन कमिश्नर से दिनेश कोसरिया जी के साथ अलावा तमाम लोगों से बात हुई है, ये बताया जा रहा है कि इसे नोटिस दे दिया गया 3 दिनों के अंदर ये सारा सामान वापस हैंडओवर करने के लिए और इसे बंद करने के लिए। तो गाड़ी का नंबर भी हम आपको दिखा दें इससे बाद में, क्योंकि इसकी पहचान तो उजागर होगी कि किसके आधिपत्य में है। तो यही वो भवन है बता दें, राष्ट्रीय सद्भावना समिति का, जो पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया द्वारा संचालित किया जाता है। तो एक नहीं दो भवन है जिसे उन्होंने कार्यालय बनाकर रखा हुआ है। जमीन किसकी है ये बात तो पता लगेगी, लेकिन निगम का, स्मार्ट सिटी का और शासन का कुल मिला के 3.5 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा सत्ता में रहते हुए जनता का पैसे का कैसे दुरुपयोग किया गया है। और जो सामान्य सभा में नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रही थी वो आरोप अपने आप में कहीं ना कहीं सही साबित होते दिखाई दे रहा है। ये नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाया है कि शताब्दी नगर में जो अंदर 12-15 हजार वर्ग फुट जमीन है वहां पर आपकी श्रीमती जी जो है उनके नाम से कार्यालय के लिए जमीन दी गई थी लेकिन पूरा कब्जा कर लिया गया, लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए सैंक्शन करके अब खर्चा किया गया और वर्तमान में आप लोग के कब्जे में है। निश्चित रूप से देखिये, पहली बात तो ये कि जो जमीन है वो सरकारी नहीं है, जमीन जो है सोसाइटी की है और सोसाइटी ने उस समय मांग किया था कि सामुदायिक भवन बनाया जाए। तो सामुदायिक भवन बनाने की स्वीकृति सरकार से मिली थी और सोसाइटी की जगह पर सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है।
जिस तरह से हम लोग सभी समाज को या सामाजिक संस्थाओं को सामुदायिक भवन उपलब्ध कराते हैं और सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाता है, अगर कोई साहू समाज का भवन है, सतनामी समाज का भवन है, यादव समाज का, अन्य समाज के लोग भवन की मांग करते हैं तो उनको सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में दिया जाता है। और यहाँ जो सामुदायिक भवन बना है उसका संचालन अगर कोई सामाजिक संस्था करना चाहे तो उनको दिए जाने का प्रावधान है। नगर निगम में MIC ने प्रस्ताव पारित करके उनको सामुदायिक भवन के संचालन संधारण के लिए MIC के माध्यम से अनुमति दी गई थी। ये MIC की कॉपी है जो स्वीकृति हुआ है उसकी, और इसमें आदरणीय हमारे महापौर एजाज ढेबर जी का भी हस्ताक्षर है। लेकिन एक प्रक्रिया होती है, खुद ये MIC कह रही है, MIC के सदस्य जो विभाग के हैं वो भी कह रहे हैं कि MIC के बाद सामान्य सभा में होना होता है, सामान्य सभा के बाद राज्य शासन को जाना जाए वो विकल्प है, लेकिन सामान्य सभा में होता नहीं, तो ऐसे में तो महापौर जिसको चाहे वो जमीन अलॉट कर सकते हैं। खुद कांग्रेस के MIC सदस्य ने कहा, महापौर ने भी कहा है कि इस मामले में अधिकारी की लापरवाही अगर हुई है तो उसकी जांच की जाएगी। तो अलॉटमेंट का लेटर आपके को क्या मिला है कि बस यही कागज है MIC का? ये नहीं, MIC की स्वीकृति का कागज तो मुझे भी समिति को दिया गया है और MIC ही पर्याप्त है इसके लिए, किसी समिति संस्था को संचालन के लिए दिए जाने के लिए, किसी के नाम पे थोड़ी किया जा रहा है। उसका लियन जो है नगर निगम के पास रहता है, लेकिन संचालन 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 अलॉटमेंट लेटर सामान्य सभा को नहीं हुआ। दूसरी बात, इस पे कहीं भी वर्ग फुट का वो नहीं है मेंशन। और तीसरी बात में सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको जानकारी नहीं है इसमें वर्ग फुट का लिखा हुआ है जी। मैंने आपको कागज दिया है उसमें देखिए, उसमें वर्ग फुट लिखा हुआ है जी। है ना, क्योंकि जमीन लगभग 12,000 फुट पे है बाउंड्री वॉल। ठीक है ना, वो जो है जमीन जो है सरकारी जमीन नहीं है, अटल आवास की थी बता रहे ना, था उसको शिफ्ट किया गया। वो जो है खंडर हो गया था, टूट गया था, तो उसको शिफ्ट किया गया था। अच्छा, ये कब अलॉट हुआ था, आदेश कब मिला आपको? ये 2022 का है। अच्छा, 2022 से अब तक कितने कार्यक्रम हुए सामुदायिक भवन में, कुछ डिटेल है इसमें? वो जानकारी हमारे संस्था के प्रमुख लोग देंगे, लेकिन MIC ने पारित किया है और MIC को पारित करके देने के बाद उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना बड़ा कोई बात है तो पहले बात कर सकते थे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नगर निगम चाहे तो MIC उसको तुरंत खत्म कर सकती है कि हम किसी को संचालन के लिए दिए हैं, संचालन अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको समाप्त करने का अधिकार नगर निगम को। अच्छा, है एक बात ये बताएं, इसमें कोई बड़ी चीज तो है नहीं। एक बात ये बताएं कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुआ है, सुनिए लीजिएगा, भयंकर लग्जरियस बनाया गया है वहां पर अटल आवास का। अगर जमीन को कहीं और शिफ्ट करके सोसाइटी को दी गई तो नियमता ये निगम की संपत्ति होती है। मगर अभी दो सवाल है मेरे, एक तो 20 फीट की बाउंड्री वॉल जिसपे कोई आम आदमी एक्सेस नहीं कर सकता, तीसरा इसमें 2.5-3 करोड़ का सामुदायिक भवन बनाने का औचित्य क्या लग रहा है, क्योंकि जो सामान की सूची है या जिसपे जो वॉल, जो फॉल सीलिंग, पंखे, मतलब बिल्कुल बंगला बनाया गया हो तो ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सामुदायिक भवन के जो इस्टीमेट होते हैं उसके आधार पर स्वीकृति होती है और उस आधार पर स्वीकृति हुई है। क्या मुझे बताइए सामुदायिक भवन में पंखा नहीं लग सकता? 2.5 करोड़ पंखा 2.5 करोड़ रुपया का नहीं आता आदरणी, मैं आप अपनी बात ही मत बोलिए, मेरी बात भी सुन लीजिए, है ना। पंखा कोई 2.5 करोड़ का नहीं आता, ACTV 2.5 करोड़ का नहीं आता जी। भवन बना हुआ है वो सरकारी है, भवन का जो है लियन जो है नगर निगम के पास है, हम किसी को संचालन के लिए देते हैं तो संचालन के लिए किसी को दिया गया, उसमें इसमें और कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। महापौर जी ने और MIC ने प्रस्ताव पारित करके दिया, इतना ही होता है, और भी समितियों को दिया गया है उसकी जानकारी आप ले लीजिए। जैसे रामसागर पारम लायंस क्लब को दिया गया है 20,000 स्क्वायर फीट का करीब है, संचालन वो कर रहे हैं। अच्छा भैया, इस पर सामान्य सभा अनिवार्य है कि नहीं ये बता दीजिए? इसकी जरूरत नहीं है, MIC पर्याप्त है उसके लिए। अच्छा, ये बाउंड्री वाल है 20 फीट की ऊंची, और सामुदायिक भवन के लिए नहीं है उसपे? सुनिए, सामुदायिक भवन के लिए बाउंड्री वाल भी बनाया जाता है, बाउंड्री वाल बनाए उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, विधानसभा के बाद लोकसभा का भी चुनाव हो रहा है तो निश्चित रूप से कुछ लोग इस तरह के निशाने में लेना भी चाहते होंगे, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये जो काम हुआ है नियमता हुआ है और नियम के अनुसार जो कार्रवाई होना चाहिए वो होना चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। 100 मीटर के दायरे में दो भवन है और एक ही समिति को दिया गया, 100 मीटर के दायरे में दो भवन है,
मुद्दा ये भी उठ रहा है कि दोनों भवन देखिए वो जो भवन है ये सोसाइटी का भवन है, सोसाइटी का पहले का बना हुआ भवन था जो कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति है उसका भवन है, उसमें क्या दिक्कत है सामने? उसके लिए भी कहीं कोई अनुदान मांगता है तो दिया जाता है, दिया जाता है अनुदान, कोई मांगता है कोई समिति अनुदान मांगती है तो उसको दिया जाता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत? तो नोटिस क्यों जारी कर दिया नगर निगम? अगर नगर निगम ने दिया थोड़ी नियमता है तो नगर निगम तो नोटिस जारी कर दिया, जो देता है वो नोटिस भी जारी कर सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा एक आरोप अभी ताजा अभी खत्म हुई है सामान्य सभा, उस पर एक आरोप बीजेपी ने तो और गंभीर लगा रहे हैं कि आरंग में एक और राष्ट्रीय सद्भावना समिति भवन बनाया गया है, प्रस्ताव गया था कलेक्टर के पास आया है लेकिन प्रस्ताव मतलब अभी आवंटन हुआ नहीं, उसमें पहले ही 60 लाख रुपए सरकार ने खर्च करके आपकी भवन बना दिया जबकि आवंटन हुआ नहीं है। ये आवंटन देखो आवंटन किसी सामाजिक संस्था के लिए देते हैं, कोई सांसद या विधायक किसी गाँव में सामुदायिक भवन की मांग होती है तो उसको दिया जाता है और विधिवत उसके लिए आवेदन करके प्रक्रियाएं की जाती है तो प्रक्रियाएं चलते। लेकिन भाई जमीन मिली नहीं है, 60 लाख खर्चा हो गया, ऐसे में अगर आवंटन स्वीकृत नहीं होता भाजपा की सरकार में वो पैसा तो जो भी लगा है किसका है? जमीन सरकार की है। जमीन किसका है? सरकार की है। बताए बनाए किसने? सरकार ने। तो किसके पास रहेगा? सरकार के पास रहेगा। तो बस तो वो भी राष्ट्रीय ये जो एक ही समिति है उसका रायपुर में दो तीसरा वो यही तो बार बार मुद्दा उठा रहे हैं। ये तो टारगेट करके उठाया जा रहा है भाई, जो जमीन जो भवन है वो सरकारी भवन है उसमें कोई कैसे कब्जा कर सकता है? किसी ने आवंटन किया है, सामान्य सभा ने आवंटन किया है, नगर निगम ने आवंटन किया है, ये एक ही समिति नहीं है जिसको आवंटन किया गया। आप नगर निगम में पूछ ले बहुत सारे समितियों का आवंटन किया गया है कि नहीं? जी है। जब है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये आखिरी सवाल, एक नोटिस जारी किया 3 दिन में हस्तांतरित करने के लिए बोल रहे हैं तो वो हम बात कर लेंगे समिति वाले उनसे चर्चा करेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समिति को नगर निगम को जो आवंटन करता है उसको अधिकार है, नगर निगम के MIC अगर कहती है तो उसको खाली करने में कोई दिक्कत थोड़ी है, खाली किया जा सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? तो पूछ लेना कुछ पूछना VIP कल्चर। हाँ नहीं नहीं उसके बारे में अभी नहीं बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। इस तरह से कोई अनुसूचित जाति जनजाति के जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं जो काम करेगा आरोप उन्हीं पे लगाते हैं, जो काम करता है उंगलियां उन्हीं पे उठाई जाती है। अच्छा काम हम लोगों ने किया है पूरे 5 साल में तो हम दूसरे लोगों के टारगेट में होंगे, इसलिए इस तरह की बातें हो रही है। और कहीं कोई नियम का उल्लंघन नहीं होता, कहीं पे नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है और नियमानुसार काम हुआ है। डहरिया जी एक सवाल ये है कि कल जिस तरह से बात हुई महापौर जी से सवाल किया गया सामान्य सभा में तो उन्होंने कहा कि गलत तरीके से आवंटन हुआ, तो उनका एक बयान अलग आ रहा है फिर आपका एक बयान जो कह रहा है कि आपने विधिवत किया गया तो उसको लेकर सर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब मैंने तो कागज दिया हुआ है इसमें MIC में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें आदरणीय महापौर जी के भी दस्तखत है, उनकी सहमति से ही आवंटन हुआ है। वो भी निशाना बना रहे हैं महापौर जी, क्योंकि MIC और महापौर दोनों बोल रहे हैं, क्योंकि महापौर भी बोल रहा है कि गलत हुआ है और चूंकि दोनों मामले में कॉन्फ्लिक्ट बयान आ रहा है, अधिकारी को तो बर्खास्त कर देंगे बोल रहे हैं। देखिए कोई अधिकारी जो है जब तक कोई ऊपर का अधिकारी ना बोले या प्रस्ताव ना आए तब तक वो कैसे प्रस्ताव प्रस्तुत करे? कहीं आप आवेदन देंगे तो उसको आगे बढ़ाते हैं अधिकारी। निर्णय लेने का काम तो MIC का है, महापौर ने लिया है, MIC ने निर्णय लिया है, अधिकारियों की कहीं इसमें कोई दोष नहीं है। बहुत बड़ा मामला सामने आया शिव डहरिया जी की पत्नी के नाम से, लगभग 1500 का आवेदन लगा के उन्होंने 1500 कब्जा कर लिया है, शासन का 2.5 करोड़ रुपये खर्चा किया है, कल एक आप लोगों ने मामला दिखाया था उस पर भी उनका कब्जा है, तो कुल मिला के करोड़ों रुपए शासन का जनता का पैसे का व्यक्ति का उनकी पत्नी की समिति के नाम पे खर्चा कर दिया। और सबसे बड़ी बात कब्जा भी उन्हीं का है और कार्यालय बनाने के नाम पे बंगला बना लिया गया, सागौन के दरवाजे बड़े महंगे लग्जरी कर लिया गया। शताब्दी नगर में जो सामुदायिक भवन बना है उसके विषय में कल हमने सामान्य सभा में प्रश्न लगाया था, कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं आया और सामान्य भाषाधक सदस्य ने जवाब दिया कि विषय MIC में नहीं आया है, ये कब्जा है मगर विधिवत वो विषय वो MIC में आया था। और अब जब सब चीज़ें क्लियर हो गई और नगर निगम के द्वारा उस अवैध रूप से जो सामुदायिक
समुदायिक भवन में जो अवैध कब्जा है, एक प्रकार से उसको कब्जा ही कहेंगे, क्योंकि नगर निगम में ऐसा कोई भी नियम नहीं है, नगर निगम में ऐसा कोई भी अधिनियम नहीं है कि बिना सामान्य सभा के चर्चा के किसी भी सामुदायिक भवन को किसी भी एनजीओ को आवंटन किया जाए। तो सारी चीज़ें पिक्चर क्लियर हो जाए, क्लियर हो गई है, प्रामाणिकता के साथ क्लियर हो गई है, तो नैतिकता के आधार पर जिनका भी वहाँ कब्जा है, जिस सद्भावना समिति का वहाँ पे कब्जा है, उनको नगर निगम के नोटिस के अनुसार उनको 72 घंटे के अंदर, अगर उनमें मानवता है, वो अच्छा करना चाह रहे हैं, तो नैतिकता के नाते मेरा मुझे ऐसा लगता है कि उनको भवन नगर निगम को हैंडओवर कर देना चाहिए। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, मंत्री जी कहते हैं कि MIC की स्वीकृति काफ़ी है, और करोड़ों कभी भी कब्जा है, करोड़ों रुपये खर्च कर दिए, इस पर क्या कहें? ये तो दादागिरी है, ये MIC की स्वीकृति काफ़ी नहीं, ये दादागिरी है। और MIC में अगर स्वीकृति हुई है तो उनको भवन का आवंटन विधिवत नहीं हुआ है, MIC में बस प्रकरण की स्वीकृति थी। क्या शर्तें होंगी उसमें, किस शर्तों के अधीन में दे रहा है, ये सब चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो दबंगई ये क्या कहना चाहूँगी कि MIC में भी जोन के अधिकारियों के द्वारा झूठा प्रस्ताव लाया गया है। जो MIC में प्रस्ताव आया था उसमें लिखा था कि भवन का निर्माण है वो अधोसंरचना मत से हुआ है, जबकि स्मार्ट सिटी का पैसा भी उस भवन में लगा है, जिसके पास जिसका दस्तावेज हमारे पास है, आधी अधूरी जो जानकारी के साथ MIC में विषय को लाया गया था, इसलिए सारा विषय ही फर्जी है शुरू से लेकर आखिरी तक। और MIC में भी मुझे लाया गया है तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही गुपचुप तरीके से लाया होगा, क्योंकि जो भारत सागर सदस्य जवाब दे रहे थे वो MIC के सम्मानित सदस्य हैं, उनका कहना था कि MIC में विषय नहीं आया है और इसमें किसी का कब्जा है, जो कब्जेधारी हैं, जो सद्भावना समिति है, MIC का के सदस्य स्वयं कर रहे थे कि कब्जा है, MIC में विषय नहीं आया है। तो हमको तो ये भी आशंका है कि MIC में आया ही नहीं होगा विषय, और गुपचुप तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार करके पूरा फर्जी वाला माने इसे, मैं इसे और क्या आधार फर्जी वाला, पूरा फर्जी वाला मानती हूँ। और मैं चाहूँगी कि नैतिकता के आधार पर थोड़ा भी धर्म ध्यान दिखाते हुए तुरंत ही ऐसे सामुदायिक भवन को नगर निगम को हैंडओवर कर देना चाहिए। और अगर इस प्रकार का आलिशान भवन बन रहा है, और अगर उस समिति के सदस्य हैं, अगर कोई सम्माननीय मंत्री जी के घर के हैं, तो उनको स्वयं इस विषय में सोचना चाहिए। ऐसे आलिशान सामुदायिक भवन, नगरीय प्रशासन मंत्री स्वयं जानते होंगे कि नगर पूरे नगर में इस प्रकार का सामुदायिक भवन नहीं बनता है, और अगर बना छुपा रहे हैं अपने कर्मों को। हाँ, ये सीधे सीधे गलत है। ये देखो, दे भगवान के घर देर है अंधेरे नहीं है, उन्होंने जो भी किया उनके कारण हो सकते हैं उनके घर की किसी महिला सदस्य का नाम आ रहा है, तो करता कोई और भरता कोई है, तो ये अच्छी बात नहीं है, मैं इसको अच्छा नहीं मानती। ये सब ऐसी चीज़ें करनी नहीं चाहिए। आप 5 साल शासन में अगर मंत्री रहे हैं तो आप शहर के मालिक मत समझिए, और ये भी मत सोचिए कि हमेशा हमेशा आपका ही शासन रहेगा। दूध का दूध पानी का पानी अंततः होता ही है। दमदार विपक्ष है, मजबूत विपक्ष है, और हम सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करवाई कर रहे हैं, और बिना डर और बिना भय के हम सच्चाई को सामने लाते हैं। नगर निगम ने अपनी कार्यवाही कर दी है, 72 घंटे के अंदर उनको हैंडओवर करने कहा गया है नगर निगम को ये भवन, ये संपत्ति, और कैसी कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। कभी कहीं सामान कहीं नहीं छोड़ना, कहीं कब्जा कर लेना, इस पर संज्ञान जैसी जानकारी में आएगा संज्ञान लेकर इस पर, और जो भी इस पर विधि सम्मत कार्रवाई वो होनी चाहिए। जिस जमीन पर राष्ट्रीय सद्भावना समिति ने कब्जा किया है उसके ऊपर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये पूरी ज़मीन आप जो देख रहे हैं ये EWS की ज़मीन थी। यहाँ पर अटल आवास योजना के मकान बने हुए थे, जिसे गिराकर 3.5 करोड़ रुपये खर्च कर के भवन गार्डन सब कुछ बनाया गया, और इसे सौंप दिया गया पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी की संस्था राष्ट्रीय सद्भावना समिति। तो सब कुछ जो है नियंत्रण में था शकुन डहरिया के। और सबसे बड़ी बात, हमें जैसे जद्दोजहद करना पड़ा अंदर आने के लिए, आम लोगों के लिए देखिए 15 फीट ऊंची करीब दीवार बनाई गई है, और किसी किले की तरह दीवारें हैं, और बार बार करके इसे सुरक्षा दी गई है ताकि भूल से भी ना तो कोई अंदर झांक सके ना अंदर आ सके। 15-17 फीट ऊंची दीवार है, इम्पॉसिबल है किसी का आना। और ट्रांसफार्मर देखिए, अंदर ट्रांसफार्मर तक यहाँ पर लगाया गया है अलग से यहाँ पर व्यवस्था के लिए। तो आप सोचिए कि किस तरह EWS की ज़मीन पर 3.5-4 करोड़ रुपए खर्च करके नगर निगम का, स्मार्ट सिटी का, शासन का पैसा जो आम लोगों के हक का होता है, आलीशान भवन बनाया गया, आलीशान गार्डन बनाया गया, जो बड़े बड़े कारोबारियों के यहाँ देखने को नहीं मिलता। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि सत्ता में रहते हुए कि कैसे पूर्व मंत्री शिव डहरिया और उनकी पत्नी ने जो जनता के पैसों का दुरुपयोग किया है, और कहीं ना कहीं नगर निगम कि सभा भवन में जो मीनल चौबे आरोप लगा रही हैं अपने आप में वो सही साबित होते दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखने वाली बात रहेगी कि महापौर कांग्रेस के हैं, उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कार्रवाई की, रिकवरी की, वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं। फिर आज सत्ता बदली है, इस पर ये भी देखने वाली बात रहेगी कि इस पूरे मामले में भाजपा का क्या रुख रहता है। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ संदीप शुक्ला, MC24 रायपुर।